हेलो फ्रेंड्स इन्वेस्ट फॉर आवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है एक वीडियो आज के डेट में आ चुकी है जाके यहाँ पर देख लीजिएगा आईई इंडियन एनर्जी एक्सचेंज जो कि आज आपको आठ परसेंट भागता हुआ दिखाई दिया है और बहुत टाइम से भागी रहा है तो यहाँ पर अगर हम बात करें इसका एक छोटा भाई है जो इसमें एफ आई इस दवा के माल उठा रहे हैं कभी अट्ठाइस परसेंट थे आज की में 26, 36 के आसपास है। तो इस पर्टिकुलर शेयर की तरफ यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं अच्छा खासा आपको शेयर एक सौ रहा है और टारगेट भी अच्छे खासे आ रहे हैं बाकी वीडियो में लास्ट तक बने रहिए है सीखिए बैंक साल की कोई रिकमेंडेशन नहीं और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि देखिए इतनी मेहनत से हम यहाँ पर वीडियोस बनाते हैं आपको बताते हैं किस तरीके से आप शेयर को यहाँ पर बाई कर सकते हैं और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर शेयर एक आध कुछ स्टॉक्स यहाँ पर गिरते हुए नजर आते हैं और मोस्टली स्टॉक्स आपको अच्छे रिटर्न देते हुए नजर आते हैं तो ये ही मार्केट में का खेल भी होता है तो ऐसी चीजें सीखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए बेल आइकन को हिट कर लीजिए और जितना हो सके हमें सपोर्ट करने की कोशिश करें दूसरी वीडियोस को जाके देखिए कमेंट करिए कोई क्वेरीज है तो लाइक जरूर कर दीजिए हर एक वीडियो को और हमसे कांटेक्ट करना है तो ये पर्टिकुलर नंबर दे रखा है इस नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारी फाइनेंशियल सर्विसेज का लाभ उठा सकते हैं क्योंकि ड्यूरिंग द मार्केट कुछ ऐसे स्टॉक्स यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं जो कि अगर उस टाइम लिए जाए तो अच्छा खासा पैसा बनता हुआ दिखाई देता है आइए वीडियो की तरफ चलते हैं और वीडियो में हम बात करने वाले जैसे कि थंबनेल में आपने देख लिया है दो स्टॉक से रिलेटेड कार्ड और एसबीआई कार्ड्स दोनों स्टॉक्स दोनों पर गिरते हुए नजर आ रहे हैं और एक एक स्टॉक्स भागता हुआ नजर आ रहा है एक स्टॉक गिरता हुआ नजर आ रहा है तो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसकी तरफ बढ़ते बट इससे पहले आपको एक आ, बता देता हूँ एक शेयर एक शेयर हमने यहाँ पर कुछ दिन पहले आपको बताया था यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊ सागर सॉफ्ट यहाँ पर ये एक शेयर था यहाँ पर देखिए कितने चार वीक पहले बताया था और अगर देखें दो सौ रुपए का यहाँ पर टारगेट बताया था दो सौ रुपए तक ये शेयर आ चुका है आज के दिन में 20 परसेंट की जंप लगाई है शेयर ने एक सौ प्राइस चल रहा था और यहाँ पर एक बाइंग करने के बाद फिर यहाँ पर 40 परसेंट तीस परसेंट गिरता हुआ नजर आया और आज की डेट में सारा के सारा भरपाई प्लस में प्रॉफिट देता हुआ नजर आया इसी तरीके से चीजें यहाँ पर सीखी जाती है करी जाती है जो अच्छी चीजें अच्छी लगती है थोड़ा सा वेट करना होता है डिप्स करनी होती है फिर चीजें ऊपर भागती है तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं कार्टरेड सबसे पहले कार्टरेड की बातें करेंगे कार्टरेड का बिजनेस यहाँ पर अच्छा खासा चलता यहाँ पर अगर देखे तो अच्छा खासा बिजनेस है इनका इंटरनेट बिजनेस है और अगर हम देखे तो एक अच्छी खासी जंप के बाद यहां पर शेयर बताया था उसके बाद शेयर पर भागता हुआ दिखाई दिया बट काफी लोगों ने यहाँ पर ले लिया ओके और काफी लोग यहाँ पर पहले से भी अटके हुए थे तो यहाँ पर क्या हुआ एक अच्छी खासी गिरावट जैसे बिकॉज ऑफ रिजल्ट के वजह से आई चीजें यहाँ पर रुक जाती बट यहाँ पर मार्केट में प्रेशर था तो मार्केट में पूरे में प्रेशर था तो चीजें यहाँ रुकने की जगह और नीचे आ गए और यहाँ पर रुकती हुई नजर आई तो अब क्या करना चाहिए क्या इसका आपका एक टारगेट आ सकता है आपको अगर एग्जिट करना है तो कहाँ एग्जिट करना है आपको क्या करना है उससे रिलेटेड हम यहाँ पर बात करेंगे और आज के दिन में लगभग आठ और नौ परसेंट शेयर भागता हुआ नजर आया तो क्यों भागता हुआ नजर आया तो सबसे पहले अब जवाब देना चाहूंगा क्यों भागता हुआ नजर आया तो देखिए मैं आपको सिंपल बताना चाहता हूँ कि कुछ यहाँ पर एजेंसीज थी जिन्होंने यहाँ पर इसकी बाइंग की रेटिंग दी थी कार ट्रेड की तो दिस कुड बी रीजन यहाँ पर एक यहाँ पर भागता हुआ दिखाई दे रहा है ये शेयर और जो मेरे टारगेट आ रहे हैं है दिखाई दूंगा तो हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कार ट्रेड से रिलेटेड काफी बार विडियोज बनाई है आपको बताया है कि कार ट्रेड बिजनेस क्या करती है ओके और जिस तरीके से ऑटो सेक्टर यहाँ पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं ओके तो यहाँ पर मुझे लगता है कि ये एक ऐसा शेयर है क्योंकि आगे के टाइम में आने वाले टाइम में अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे सकता है अभी बेशक से गिरता हुआ दिखाई दे रहा है और अच्छा खासा लोगों को लॉस भी हो रहा है सोलह सौ सो रुपये से हजार रुपए पे आ गया है काफी लोगों ने तो पेटीएम इक्कीस सौ पे लिया था वो भी तेरह सौ पे आके आज पंद्रह सौ पे चल रहा है तो इसी तरीके से काफी चीजें यहाँ पर नहीं भागती बट नीचे गिरने के बाद चीजें और बेहतरीन बन जाती है और जब चीजें बेहतरीन बन जाती है तो यहाँ पर चीजें ली जाती है तो अगर देखिए जहाँ पर नाइनटी सिक्स के आसपास का पी था आज फिफ्टी का पी है तो चीजें और सस्ती हो गई है और जब चीजें सस्ती हो जाती है ना तभी यहाँ पर खरीदा जाता है आर ओ सी आर ओ ही कुछ खास नहीं है यहाँ पर मार्केट वैल्यू की बात करें स्मॉल कैप कंपनी है ज्यादा बड़ी कंपनी भी है है और अब बात करें सोलह सौ अठारह रुपये से यहाँ पर करेक्ट होके नौ सौ सत्तर के आसपास आ चुका है और मार्केट कैप छोटी है इस वजह से ही यहाँ पर वॉलीटिलिटी आपको दिखाई देगी याद रखिएगा तो स्मॉल कैप कंपनी में यही परेशानी रहती है कि अगर भागती है तेज भागती गिरती है तो तेज गिरती हुई नजर आती है डेट की बात करें डेट फ्री कंपनी है कोई किसी भी तरीके का डेट नहीं है ये इसकी एक पॉजिट

अगर ऑपरेटर चाहे तो हो सकता है बट ऐसा होना नहीं वाला है और अगर हम यहाँ पर देखें तो कभी भी चीज़ें यहाँ पर लेनी है तो बाय एंड करके लेनी है पांच साल से बीस परसेंट के सीएजीआर से पैसा बन रहा है जो कि एक अच्छी खासी वैल्यू यहाँ पर क्रिएट करता हुआ दिखाई देता है सेल्स की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं सेल्स यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है ईयरली क्वार्टरली बेसिस पे बट यहाँ पर प्रॉफिट कि अगर बात करें तो प्रॉफिट यहाँ पर बेसिस पे तो यहाँ पर ठीक है घाटा कम होता हुआ दिखाई दे रहा है बट अगर बात करें यहाँ पर प्रॉफिट यह जो अच्छा खासा था वो यहाँ पर कम होता हुआ दिखाई दे रहा है हमारी एक मिस्टेक हो गई थी हमारी एनालिसिस में जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर हमने ये लॉस नहीं देखा ओके और ये, अगर ये लॉस हम पहले देख लेते तो और जो कि इन्होंने छुपाया भी था कार्ट्रेड वालों ने मैं तब तक कोई यहाँ पर आया भी नहीं था पूरे पूरे यहाँ पर पूरा डिस्कशन हुआ नहीं था तो इस वजह से भी हमने यहाँ पर ऊपर के लेवल पर हम यहाँ पर हम फंसते हुए नजर आए थे और अपनी गलती मान लेना कोई बुरी बात नहीं है तो यहाँ पर हमारी गलती हुई थी तो इस वजह से हम भी ऊपर लेवल पर फंस गए बट चीटें जो नीचे जाती है ना वो ऊपर आती भी है तो उस टाइम अगर आप एग्जिट करना चाहते हैं तो एग्जिट कर लीजिएगा रिस्क लेना है तो रिस्क भी ले लीजिएगा तो मार्केट में पैसा बना अच्छा पैसा वही बनता है जहां पर रिस्क लेते हैं और जहां पर हम रिस्क नहीं लेते वहां पर कम पैसा बनता हुआ दिखाई देता है तो इस चीज को भी याद रखिएगा तो आपने अच्छे पैसे कमाने के लिए रिस्क लिया था चीटे वो उसकी उल्टी हो गई और तीस परसेंट के आसपास नीचे आ गया शेयर बट दोबारा भगता हुआ नजर आ रहा है उस प्राइस पे आप अगर चाहे तो आगे के टाइम पे निकल सकते हैं सेल्स की बात करें तो सेल्स यहाँ पर देखिए बढ़ती हुई नजर आ रही थी यहाँ पर फिर इस साल में थोड़ी सी कम Yeah. but still यहाँ पर कंपनी अगर ईयरली बेसिस पे बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रॉफिट में यहाँ पर चलती हुई दिखाई दे रही है पिछले चार साल से यहाँ पर लगातार प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दे रहा है जो इसकी एक पॉजिटिव पॉइंट है रिजर्व so, की बात करें कंपनी के रिजर्व्स बढ़ रहे हैं बोनिंग केवल पांच करोड़ रुपए की है और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट सेवन सिक्सटी सेवन करोड़ रुपीज का और इंटरनेट लाइक मतलब एक वेबसाइट क्रिएट कर दी लोग आएंगे जाएंगे बस उसकी मेंटेनेंस करनी है दर्श सेट और यहाँ पर अपने कस्टमर से सर्विस बैठानी है दर्ज सीट और कोई काम है ही नहीं यहाँ पर यहाँ पर ऐसा कोई पैसा नहीं यहाँ पर लगाना नहीं

तो ऐसा कुछ नहीं हुआ और बात कर रहे हैं यहाँ पर डीआईएस की तो यहाँ सॉरी पब्लिक की तो देखिए पब्लिक में पिछहत्तर दिखा रहा है पर यहाँ पर देखेंगे तो बड़े बड़े लोगों ने हिस्सेदारी ले रखी है तो ऐसी कोई बात नहीं है कि पिछहत्तर परसेंट है थोड़ी सी हिस्सेदारी ही यहाँ पर पैंतीस परसेंट के आसपास की हिस्सेदारी यहाँ पर नजर आती है किसके पास बड़े यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर्स और भी बड़े लोगों के पास तो चीजें समझने की जरूरत है थोड़ा टाइम देने की जरूरत है अगर टाइम देंगे तो यहाँ पर पैसे यहाँ पर बनते हुए नजर आएंगे अब बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की तो चार्ट पैटर्न की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखिए एक बेहतरीन सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है इसके नीचे तो है बट मुझे लगता है इस बार के रिजल्ट इतने बेकार आएंगे थोड़ा से अच्छे खासे ही रिजल्ट आने की उम्मीद है इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पर पहला टारगेट यही है जो यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा था देखिए यहाँ पर पहला टारगेट है ग्यारह के आसपास दूसरी चीज टूटती हुई यहां पर नजर आई थी ओके okay, तो यही इसी के आसपास बारह सौ रुपए के आसपास भी आप एग्जिट कर सकते हैं बाई इंडिप्स करने के बाद या फिर यहाँ पर भी ये करना चाहे ना थोड़ा सा टाइम दे दीजिए तीन तीन महीने के अंदर अंदर या छह महीने के अंदर अंदर ये चीजें दोबारा यहाँ पर लौटती हुई आएगी उस टाइम आपको एग्जिट करना है तो एग्जिट कर लीजिएगा तो यही मार्केट का खेल होता है कभी चीजें नीचे आती है तो कभी ऊपर चली जाती है कुछ चीजें हम खरीदते हैं तो सीधे ऊपर सर्किट चल जाती है कुछ चीजें खरीदते हैं तो नीचे जाती है तो इसलिए डाइवर्सिफाइड करके रखो अगर यहाँ पर लॉस हो रहा है वो पॉजिटिव है तो एक ही स्टॉक्स आपको यहाँ पर करोड़पति बना देता है मार्केट में तो उस चीज भी याद रखिए अब बात करते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट एक और स्टॉक से रिलेटेड जिसका नाम है एसबीआई कार्ड लार्ज कैप कंपनी है दस का दस सौ सोलह का आर ओ सी आरो है अगर बात करें पी चौरासी का पी है दस का फेस वैल्यू है काफी बेहतरीन शेयर है मैक्सिम चार्ट पैटर्न यहाँ पर देख सकते हैं काफी अच्छा खासा यहाँ पर चार्ट पैटर्न है कंपनी ने पर आपके पैसे को लगभग अच्छा खासा बनाया है रिवेन्यू की बात करें देखिए कंसिस्टेंट ग्रोथ है और इस बार के भी रिवेन्यू थे हाईएस्टर थे नेट प्रॉफिट की बात करें वो भी हाईएस्ट टेबर था बट अगर स्टॉक्स की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टॉक्स एस बी तो मैं यहाँ पर अगर दिखा दू तो आज की डेट में पिछले दो दिन से यहाँ पर गिरता हुआ

देंगे जब यहाँ पर बेच देंगे तो ये दोबारा ऊपर लेते हुए जाएंगे थोड़ा बहुत टाइम में देखना ये लेवल छूता हुआ नजर आएगा और उसके बाद दूसरा लेवल जो हमारा टारगेट है और भी ऊपर का तो वो भी आता हुआ दिखाई देगा क्योंकि देखिए इतने सारे फेस्टिवल्स आए हैं अच्छी खासी इकोनॉमी चलती हुई नजर आ रही है तो क्या हो रहा है कि ऑफर भी उसी तरीके से आ रहे हैं तो ऑफर आ रहे हैं तो एस कार्ड सबसे ज्यादा ऑफर देता है कभी फ्लिपकार फ्लिपकार पर चले जाइएगा या एमेजन प्राइम पर चले जाइए पर चले जाइएगा या डिफरेंट डिफरेंट साइट्स पर जाइएगा तो एस बी कार्ड्स का तो ऑफर रहता ही है प्लस में बहुत सारी कंपनी के साथ उन्होंने अपना टाई अप्स कर रखा है आर जो कि अच्छा खास चल रहा है तो वहां से ही पैसा आता रहता है तो कंपनी अच्छी खासी है एक कंसिस्टेंट ग्रोथ है और यहाँ पर नेट प्रॉफिट देख सकते हैं कंपनी का नेट प्रॉफिट भी अच्छा खासा थाउजेंड करोड़ के आसपास का रिजर्व की बात करें कंपनी के रिजल्स बढ़ रहे हैं बॉरिंग भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है जो अच्छी बात है जितना उतने यहाँ पर इनके इंट्रेस्ट आएगा। इंट्रेस्ट आएगा तो इनकी बढ़ेगा। यहाँ पर का। कैश की बात करें सत्रह परसेंट की है प्रोमोटर्स की होल्डिंग की है एफ आई की होल्डिंग की बात करें तो थर्टीन की आसपास की है एफ ने यहाँ पर देखिए हिस्सेदारी बढ़ाई है याद रखिएगा और डीआईस की बात करें यहाँ पर हिस्सेदारी बढ़ाई है तो F I S D I S दोनों ने सरकारी बढ़ाई है और यहाँ पर 7.86 परसेंट की सरकारी पब्लिक की नजर आती है बट इसमें से भी 3.12 अगर आप देखेंगे तो 3.12 घटा देंगे तो लगभग चार 4. something 4.76 परसेंट की सरकारी नजर आती है तो पब्लिक के पास बिल्कुल ही कम हिस्सेदारी है एफ एच डी एस यहाँ पर चीजें बढ़ा रहे हैं यहाँ पर ले रहे हैं ऑपरेटर यहाँ पर गिरा रहे हैं और यहाँ पर भर रहे हैं क्योंकि तो चीजों को ऊपर जाना है एज एज वेल हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ट्रिपल बॉटम डबल बॉटम इस तरीके के चार्ट पैटर्न भी बनते हुए नजर आ रहे हैं और जब भी इस तरीके के चार्ट पैटर्न बनते हैं तो चीजें याद रखिए ऊपर की तरफ जाती हुई दिखाई देती है नीचे की तरफ नहीं जाती हुई दिखाई देती तो ये चीज आपको थोड़ी सी समझ नहीं होगी अगर इस चीज को आप यहाँ पर समझेंगे तो यहाँ पर आप अच्छा खासा पैसा मार्केट से कमाते हुए दिखाई देंगे तो कहने का मतलब क्या है कहने

इधर ही सपोर्ट यहाँ पर लिया फिर इधर सपोर्ट दोबारा लिया यहाँ पर ही सपोर्ट यहाँ पर सपोर्ट ऊपर के लेवल यहाँ पर ऊपर के लेवल पे ये सपोर्ट तो कितनी बार इसी लेवल पर आके सपोर्ट ले रहा तो यहाँ से नीचे चीजें नहीं जानी है पाँच दस रुपए नीचे चली गई तो कह नहीं सकते यहाँ से चीजें और नीचे नहीं यहाँ से चीजें ऊपर जानी है और इसके लिए करना है आपको क्या वेट अगर आप वेट करेंगे तो अच्छा खासा पैसा आपका बनता हुआ नजर आएगा रिवर्स हेड एंड शोल्डर टाइप का चार्ट पैटर्न भी यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है तो और कब विद एंड पैटर्न भी कह सकते हैं और दोनों एक जैसे ही होते हैं मोस्टली कोई फर्क नहीं पड़ता तो यहाँ पर अच्छे खासे टारगेट के लिए यहाँ पर आप जा सकते हैं सबसे पहला टारगेट की अगर हम बात करें तो सबसे पहला टारगेट यही है जो इसका अभी का हाई है जो कि कितना यहाँ पर बनाया था इसने यहाँ पर बनाया था 25% परसेंट तो 25% परसेंट के रिटर्न के लिए आप यहाँ जा सकते हैं दूसरा टारगेट की अगर मैं बात बताऊं तो दूसरा टारगेट हमारा यहाँ पर नजर आता है ये वाला जो कि हमारे कितने टारगेट नजर आते हैं अगर हम यहाँ पर से देख लेते हैं तो थर्टी ये है अगर हम यहाँ पर इसे लगा देते हैं हम्म देखिये ट्वेंटी फाइव परसेंट और प्लस में 23 परसेंट तो लगभग 50 परसेंट के आसपास के यहाँ पर टारगेट नजर आते हैं सीधे थोड़ा सा वेट कर लीजिए ज्यादा नहीं मुझे लगता है छह महीने से एक साल के अंदर 50 परसेंट के रिटर्न आ जाएंगे और 50 परसेंट के रिटर्न एक एक साल में क्या आने का मतलब है 40 परसेंट की सी ए और दस करोड़ दस लाख रुपए आपके इस तरीके से रिटर्न आते रहे तो एक करोड़ रुपए होते हैं तो इससे मजने वाली चीज है सौ के पीछे मत भागो कि ये शेयर अभी खरीदा यहाँ पर डबल हो जाएगा ट्रिपल हो जाएगा ये शेयर चार गुना हो गया